गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को असम में ऐलान किया है कि भारत म्यांमार बॉर्डर पर खुली सीमा की फेंसिंग की जाएगी। म्यांमार से भागकर आ रहे आतंकियों और घुसपैठ को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट को भी सरकार बंद करने जा रही है। शाह ने गुवाहाटी में हुई असम पुलिस की पासिंग आउट परेड में कहा कि म्यांमार के साथ हमारी खुली सीमा है, इसे हम बांग्लादेश की तर्ज पर बाड़ लगाकर सुरक्षित करेंगे। शाह ने ये भी ऐलान किया कि सरकार दोनों के बीच फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट पर भी पुनर्विचार करेगी। आने जाने की इस सहूलियत को ही सरकार बंद करने जा रही है। म्यांमार की सीमा भारत के चार राज्यों से लगती है, तो वही दोनों देशों के बीच 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है। भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट का एग्रीमेंट 1970 में हुआ था, तब से सरकार इसे लगातार रिन्यू करती रही है। आखिरी बार इसे 2016 में रिन्यू किया गया था। शाह ने ये घोषणा उस समय की जब म्यांमार में विद्रोही गुटों और सेना के बीच लड़ाई तेज हो रही है। इस बीच म्यांमार के 600 सैनिक ने वहां से भागकर भारत के मिजोरम में पनाह ली है। मिजोरम सरकार ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र से मदद मांगी थी। सैनिक को वापस म्यांमार भेजने की भी अपील की गई थी।